हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। और आज बन रहे हैं आलू के पापड़। और आलू के पापड़ रेडी होएंगे 2 दिन में, अच्छे से धूप लगेगी, करारे करारे हो जाएंगे, उसके बाद खाने लायक हो जाएंगे। फिर फ्राई करके अच्छे से आपको दिखाएंगे कैसे कैसे में फ्राई हो रहे हैं और खाने लायक हो गए हैं। बना रहे हो गोल गोल? ये आलू के पापड़। आलू के पापड़ कुछ खाने हैं ऐसे गोल गोल रोटी की तरह? अच्छा, हाथों से? हाथों से गोल गोल पतले धूप में कड़क बनाने हैं। जैसे ये चावल वाले जो पहले दिखाए थे। ये धूप में कितने दिन रहेंगे? ये भी 2 दिन में सूख जाएंगे अच्छी तरह धूप। आज तो बहुत कड़क धूप है, मेरे को तो लग रहा है 2 ही दिन ही लगेंगे। उसको भी 2 दिन ही लगे थे। मम्मी बहुत सारे बनाओगे? थोड़े से ही बनाओगे बेटा? अच्छा, आटा। वाह, ये व्रत में खा सकती है। व्रत में अभी आएंगे ना नवरात्रे, हाँ। तब खा सकते हैं। देसी घी में तल लो चाहे मूंगफली के तेल में तल लो। अच्छा। मम्मी ये ऑयल कौन सा है? ये वाला? हाँ, ये है देसी घी। अच्छा, ये पिघल गया? हाँ, धूप में पिघल गया। अच्छा, अगर दूसरा तेल लगाते तो फिर व्रत में नहीं खा सकती ना तू। हाँ। वाह मम्मी, क्या लग रहे हैं, आलू ही आलू, आलू के पापड़। मम्मी जितने ये पड़े हैं उतने पूरे टाइम ही लग जाएगा? कितना टाइम लगेगा? बस एक पन्नी भर गई, एक और भर जाएगी। 1 घंटा लगेगा? नहीं नहीं आलू के पापड़ रेडी हो रहे हैं, 2 दिन की और धूप लगेगी इन्हें और उसके बाद हो जाएंगे करारे करारे। देखिए कितने प्यारे लग रहे हैं। ये आलू के क्या ये पापड़ है? चिप्स पापड़ में कंफ्यूजन इतनी है। ये देखिए आधे सूख गए थे, बस आज ही की धूप लगनी है फिर बनेगा। ये देखिए बहुत अच्छे अच्छे रेसिपी घर पे बन रही है, आप देखते रहिए बस। इस मम्मी ने जो आलू के पापड़ धूप में लगा कर रखे थे ना, आज वो मम्मी फ्राई करके देख रही है कैसे बने हैं, खा और बताते हैं कैसे तले जाएंगे और करारे भी होते हैं कि नहीं। अभी करके देखते हैं हम लोग और आप बताना कि कैसे लग रहे हैं हमारे पापड़ आलू के। और उसके बाद आपको मिलेंगे चिप्स आलू भी, वो जो मम्मी ने धूप लगाई थी ना। मम्मी कह रही अभी थोड़े से बना के देख रहे थे, गीले चिप्स चावल, चिप्स आलू का है ना, चिप्स चावल के वो मम्मी ने खाए कि ना किसे भी धूप लगा के देखे, मतलब फ्राई करके देखते हैं कि अभी धूप अच्छे से लगी नहीं है, फिर भी मम्मी ट्राई कर रही है कि कैसे बनेंगे बिना धूप लगे हुए आलू। चलो देखते हैं। गैस जला के तेल रख दिया है, रिफाइंड ऑयल। वाह मम्मी, आलू के तो हो गए करंची। वाह मम्मी, ये फूलेंगे करंची? अरे वाह अरे वाह, ये तो करारे हो रहे हैं। वाह वाह वाह, हो गए। हाँ बड़े प्यारे हो रहे हैं मम्मी। और गाइस आप लोग भी अपने घर में बनाना, बड़ा सिंपल है ना मम्मी? बस धूप में साथ में बैठना पड़ता है। ना बैठो, कुछ लगा सकते हो उसके ऊपर तो लगा दो। और ये देखिए गाइस कितने प्यारे हुए हैं। ये जो है चावल वाले,
ये पुराने पापड़ से, ये चावल के है, चावल के पापड़ है। चावल के पापड़ तो हो गया। वाह वाह, एकदम ही व्हाइट कलर हो जाता है ना ट्रांसपेरेंट से। कितना अच्छा लग रहा है, मन करता है इसको देखते रहो, इतने प्यारे लग रहे हैं मम्मी। मार्केट वाले तो हमको जो हमने ये चिप्स बनाए हैं गीले में ही तल के देखती हूँ कैसे। मम्मी हमने तो मार्केट वालों को फेल ही कर दिया। वाह देखो, अरे वाह गाइस, ये तो धूप भी नहीं लगे थे, आलू चिप्स गीले में ही पक गए थे। हाँ इन्हें तो धूप, आपको धूप लगवानी हो तो लगवाना नहीं तो ऐसे ही बना सकते हो कभी भी। हाँ गेस्ट आ रहे हो तो उनके लिए भी बना सकते हो। तो जो बच्चे तो मांगते रहते हैं आलू चिप्स खाने हैं, आलू चिप्स। हो गए, चलिए। वाह 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 मजेदार, वाह मम्मी क्या तो प्लेट लग रही है सजी हुई, अच्छे लग रहे हैं देखने में। क्या एक ही संग खाएंगे हम लोग तो गाइस। दिखाओ मम्मी सुबह से दो बार बना दिए बाप के भाई। नहीं मैं पापड़ तलू तो चाहे तुम बनाओ, पापड़ तो हो गए कितने खाओ। नो 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 ऐसे खा लो, पूरा डब्बा भर दिया है मैंने आपके पापड़ का। मेहनत करी है। हेलो गाइस एवरीवन, हम लोग आए हैं कुछ सामान लेने स्टोर में और हम देख रहे हैं काफ़ी अच्छे अच्छे वैरायटी के पापड़ आ रखे हैं। हम घर में भी बना रहे हैं और मार्केट में भी बहुत अच्छे अच्छे आ रखे हैं। और होली के कलर्स थे काफ़ी अच्छे अच्छे और सामान देख रहे हैं कि क्या लिया जाए क्या नहीं लिया जाए, और देख रहे हैं ले रहे हैं। और ये है मिनी पोहा, बड़ा प्यारा लगा, छोटा सा पोहा भी आ गया, इंस्टेंट वाला पोहा है शायद, जैसे मैगी आती है ना वैसे। और ये बच्चों के चोकोस वगैरह ये वो, और स्टोर में मस्ती हो रही है सामान लेते वक्त। मम्मी अलग मस्ती कर रही है, लाल मिर्ची लेनी है क्या? लाल मिर्ची में घुस गई। कॉफ़ी, और कॉफ़ी है, चाय पत्ती, ताज सब। अब हम देख रहे हैं सब कौन सा लिया जाए। बहुत अच्छे अच्छे वैरायटी है और हम लोग देख रहे हैं क्या लिया जाए और क्या नहीं। और देखिए हम किससे मिलेंगे, अभी दिखाती हूँ मैं आपको, रुक जाइए। और बिस्किट देख लो जब तक, और काफ़ी अच्छा अच्छा सामान है। देखो आ गई दो दो बिल्लू हमारी, कितनी प्यारी प्यारी थी, दुकान में दुकान वालों की थी, बड़ी प्यारी बिल्लू थी वो, मेरे को आगे चिपक गई, दुकान वाले भैया की थी। देखो कैसे खा रही है, चूहा ढूंढ रही है वो। बिस्किट्स, चलिए अब सामान की बिलिंग हो रही है, जल्दी जल्दी से करवा लो बिलिंग और फिर हम सब्सक्राइब। मंदिर में पूजा की तैयारी हुई है, आरती होएगी अभी, जो जलाई है देखिए कितनी प्यारी लग रही है, अद्भुत। राधे कितनी अच्छी लग रही है, राधे रानी और लड्डू गोपाल, नई नई ड्रेसेस बनाई है दोनों को, बड़े प्यारे लग रहे हैं। और साईं बाबा जी को भी न्यू ड्रेस बनाई है, और तीनों ने न्यू ड्रेस पहनी है, कितने ब्यूटीफुल लग रहे हैं देखिए, नज़र ना लगे इतने ब्यूटीफुल लग रहे हैं ना, इतने कैमरे में दिख नहीं रहा होगा जितने सच में लग रहे हैं, बहुत अच्छे लग रहे थे। और बड़े वाले राधा कृष्ण की टोपी देखिए कितनी प्यारी है, सारा मंदिर जगमग जगमग। आप भी दर्शन कीजिए हमारे मंदिर के, और सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट।